Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon from New Delhi. I'm practicing cosmetic surgery for last more than 30 years and I was previously attached to Apollo and Max Hospitals. आज जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड है, ये ब्रेस्ट बड़े करने से रिलेटेड है कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, किसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, इम्प्लांट डाला जाए या फैट डाला जाए और इसमें किस में प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था आपसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट डिटेक्ट किए गए हैं, पता चला है कि भाई ब्रेस्ट जो इम्प्लांट है उससे कैंसर होने का डर होता है, तो उसके बारे में मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे। तो इसमें मैं आपसे जो एक चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एलर्गन कंपनी का एक पर्टिकुलर टाइप का इम्प्लांट था जिसमें कैंसर के कुछ केस रिपोर्टेड किए गए थे, लेकिन FDA ने कुछ और भी इम्प्लांट्स हैं जो अप्रूव कर रखे हैं उसमें, जो कि स्मूथ शेल्ड हैं जो इम्प्लांट्स या बिल्कुल जो उसको बोलते हैं कि बिल्कुल माइक्रो उसमें बनाए गए हैं इनको इसमें कॉरोगेटेड में, तो उसमें आप इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है, जिसको माइक्रो टेक्सचर्ड बोलते हैं हम लोग इम्प्लांट बेसिकली, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सावधानी तो खैर हर जगह लेनी पड़ती है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए वो कि अगर ये इम्प्लांट सेफ है, अप्रूव्ड है, इसमें कैंसर की संभावना ना के बराबर है तो आप वो इम्प्लांट डलवा सकते हैं, ऐसी उसमें आप खुद मत घबराइए, लेट द डॉक्टर डिसाइड। अरे दूसरी बात ये होती है कि इसमें कौन सा बेटर है और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है लोग पूछते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है जब हम वो डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिजल्ट एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आता है कि हमने इतने वॉल्यूम का डाला, या उसमें भी कुछ जो होते हैं बॉडी शेप के हिसाब से बनते हैं कि किसमें कितना कॉनिकल प्रोजेक्शन आएगा, कहाँ होगा इम्प्लांट, कैसा होगा। तो आई थिंक कि जो इम्प्लांट्स हैं दे आर मोर प्रेडिक्टेबल, वो उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कितना आएगा, जबकि फैट में हम उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, उसका भी कारण जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और कारण क्या है कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट ये जो फैट होती है जो हम डालते हैं, तो जितनी हम फैट डालते हैं उसमें 25-30% फैट डिजॉल्व हो जाती है और उसका रिजल्ट इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और हर पेशेंट को हम ये बता देते हैं कि अगर आपने फैट डलवाई तो हो सकता है कि कुछ फैट डिजॉल्व हो और आपको एक फिनिशिंग टच की जरूरत और पड़ सकती है 6 से 12 महीने बाद, जिसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। तो इसमें पेशेंट को 2 बार आना पड़ता है, इम्प्लांट में यूजली 1 ही बार में पेशेंट ठीक हो जाता है, और दूसरा फैट का, लेकिन चूंकि हम 2 बार कराते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा कम्बरसम है, लेकिन फैट का एक जो एडवांटेज भी है कि एक बार आपने के फैट से आपने ब्रेस्ट बन गई, जबकि जो इम्प्लांट होते हैं जो हम डालते हैं उसमें इन्फेक्शन अगर शुरू में नहीं होता तो बाद में कैप्सूल कॉन्ट्रेक्चर वगैरह होती है, कुछ और टॉपिक जो होते हैं जिसमें ब्रेस्ट थोड़ी हार्ड हो जाती है, ये एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि इम्प्लांट में प्रेडिक्टेबल है, हमने डाल दिया इम्प्लांट, रिजल्ट आपको प्रेडिक्टेबल मिल गया, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है शुरू में, लेकिन चूंकि यहाँ पे फैट में आपकी संभावना 25-30% है कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा सेकंड सेटिंग के लिए, तो इसमें भी आपको 2 बार जाना पड़ता है। तो फैट को हम कहाँ डालना पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा, वो ऐसा है कि अगर आप देखेंगे भगवान ने कोई भी 2 चीज़ें एक जैसी नहीं बनाई हैं, आपकी 2 आँखें एक जैसी नहीं हैं, 2 हाथ एक जैसे नहीं, 2 कान एक जैसे नहीं, ऐसे ही ब्रेस्ट में थोड़ी बहुत एसिमेट्री रहती है, साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। तो अगर किसी की ब्रेस्ट में ज़्यादा साइज़ में फ़र्क है तो फैट डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, आपने फैट डाली उस जगह और उसके बाद साइज़ को मोर और लेस बराबर करने की कोशिश की। अगर हम इसमें इम्प्लांट डालेंगे तो जो छोटी ब्रेस्ट है उसमें हमें बड़ा इम्प्लांट डालना पड़ेगा और बड़ी ब्रेस्ट में कम इम्प्लांट डालना पड़ेगा, लेकिन आप फिर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि भाई बराबर आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन फैट में आप जहाँ चाहें वहाँ पर आप इंजेक्ट फैट कर देंगे और उस जगह दोनों को आप बिल्कुल बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फैट इंजेक्शन फैट का एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा क्या है, कुछ और डिफॉर्मिटीज होती हैं, अगर किसी ने सर्जरी कराई है, कुछ स्कार है जो डिप्रेस्ड हो गया है, या कैंसर सर्जरी हो गई है उसके बाद भी कई तरह के स्कार हैं, डिप्रेशन हैं डिफरेंट जगह रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी, तो इन सब एसिमेट्रीज को भरने के लिए इंजेक्शन फैट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने उधर फैट डाल ली और फिर आपने देखा दोनों जगह बराबर हुई कि नहीं हुई। तो अलग अलग चीज़ अलग अलग इनके इंडिकेशंस हैं, इम्प्लांट का अलग इंडिकेशन है, इसका अलग इंडिकेशंस हैं, और अगर आप को पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इम्प्लांट वर्सेस फैट का है जो है मैंने आपको बताया है, फैट डालनी है तो आपकी बॉडी में फैट होनी चाहिए, अगर आपकी बॉडी में ही फैट नहीं है या बहुत ही कम फैट है तो फिर आपको इम्प्लांट चुनना पड़ेगा। तो इम्प्लांट कौन सा चुनेंगे, जो सेफ इम्प्लांट होगा, जो आपका प्लास्टिक सर्जन रिकमेंड करेगा, आपको उसके लिए जाना चाहिए।
तो जो कि माइक्रो टेक्सचर्ड हों या बड़े स्मूथ इम्प्लांट होते हैं वो बताएंगे आपको, और आपको उनकी एडवाइस माननी चाहिए। तो ये हमने बेसिकली कुछ चीज़ें बताई हैं। अगर आप आपके मन में कुछ है कि नहीं मुझे फैट ही डलवानी है या इम्प्लांट ही डलवाना, तो आप ऐसे अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम फैट डालेंगे तो आपको एक सेकेंड सीटिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसकी जरूरत पड़ेगी। कल को आप अपने डॉक्टरों को ब्लेम ना करें कि साहब फैट क्यों डिजॉल्व हो गई, आपने पहले ही ज़्यादा डाल देनी चाहिए फैट। ये भी एक क्वेश्चन है, क्या फैट ज़्यादा डाल दीजिए, अगर आपको मुझे 200 सीसी फैट की ज़रूरत है आप 300 डाल दीजिए, डिजॉल्व का 200 रह जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका कारण है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि जैसे गुब्बारा है, अगर वो 100 सीसी पानी ले सकता है उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा लेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप फैट ज़्यादा डालेंगे तो आपके ब्रेस्ट की स्किन तो नहीं फटेगी, लेकिन क्या होगा कि ब्रेस्ट में जो फैट डाली है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर से वो फैट डिजॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो डॉक्टर हम उतनी फैट डालता है जितना कि आपकी ब्रेस्ट उसको इजिली एकोमोडेट कर सकती है, जो आसानी से उसमें बैठ जाए, उससे ज़्यादा ओवर वो नहीं करेंगे, उसको प्रोसीजर को ओवरडू नहीं करेंगे या ओवर फिलिंग नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस जो आपको, मुझे लगता है कि आपके माइंड में जो चल रहा है कि भाई कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, तो ये प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों हैं, दोनों का ही एडवांटेज डिसएडवांटेज है आजकल। लेकिन लोग ज़्यादातर नॉन सर्जिकल प्रेफर कर रहे हैं, इंजेक्शन फैट पसंद प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं भय है कैंसर का या कुछ और चीज़ें हैं, प्लस फैट में थोड़ी स्टेम सेल्स भी होती हैं, तो उसके कारण भी लोग प्रेफर करते हैं कि उसमें अच्छा ग्रोथ हो जाएगी आगे चल के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ट्रेंड्स नए नए आ रहे हैं, उसके बारे में आपको सिर्फ जागरूक रहना है, पता होना चाहिए आपको, ताकि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता हो, जिससे आपको भी डिस्कशन करने में आसानी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप हमारी टीम से संपर्क करने में बिल्कुल भी ना हिचकाएं, हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम भविष्य में भी इस तरह के ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर आपसे डिस्कस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।